हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने जो कि SP601 की कंट्रोल को कैसे ऑपरेट करें और इस कंट्रोल के अंदर क्या फीचर्स ऐड किए गए हैं। गाइस, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। पिक्सल सिक्योरिटी टिप्स एंड वीडियोस में लाता रहता हूँ। गाइस, इस वीडियो में बात करता हूँ जो कि ये कंट्रोलर जो कि SP107 से बेस्ट है, क्योंकि 107 जो मैंने वीडियो बनाया था तो किसके अंदर डिज़ाइन प्लस जो म्यूजिक डिज़ाइन थे वो दोनों ऐड में थे, बट उसको डिजाइन जो पार्ट थी वो कुछ एडवांस लेवल पे नहीं था। जो ये कंट्रोलर है उससे एडवांस लेवल इसको अपडेट किया गया है, जो किसके अंदर म्यूजिक से सारे डिजाइन अलग बनाए गए पैटर्न्स और नॉन म्यूजिक के साथ अलग पैटर्न बनाया गया। जो कि गाइस मैंने अभी डेमो के लिए एक स्क्वायर पैनल बनाया हुआ है, ये कैसे डिजाइन इसके अंदर हो गए आपको मैं प्ले करके दिखाऊंगा इसके अंदर कितने डिजाइन एक्शन ऐड किए गए हैं। एंड इसको प्ले करने के लिए आपको एक मोबाइल ऐप के द्वारा ऑपरेट करनी है, जो कि आपको यहाँ पे बारकोड मिलेगा, आपको स्कैन करना है बलनल एक्स के नाम से और इसको ऑपरेट कर सकते हो, जो कि बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसको हम ऑपरेट करने के लिए आपको हार्डवेयरिंग पार्ट पे दिखाएंगे स्ट्रिप रोल, कैसे आपको दो डेटा मिलेगा ऑपरेट करने के लिए। हम डॉल्ट एक वाटर प्रूफ, नॉन वाटर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों को स्ट्रिप को हम कनेक्ट करेंगे और कैसे ऑपरेट होगी वो आपको दिखाएंगे प्रोसेस। ठीक है गाइस, अभी इसको हम प्ले करके देखते हैं कि कैसे इसकी डिजाइन ऐड किए गए। गाइस जैसे देख रहे हो ये अभी जो कि ऑपरेट हो रही है मैनुअली। अब इसके अंदर जो कि अगर आप इसके अंदर फ्री मिलती है रिमोट, ओके, आपको बहुत सारे डिजाइन आपको फ्री मिल जाएंगे जो कि चलाने के लिए सेटअप है। जैसे 1 नंबर में टिप दिया तो ये चल रही है, 2 नंबर टिप ये चल रही है, 3 नंबर टिप ये चल रही है, बाकी आपको सारे डिजाइन इसके अंदर ऐड किए गए। ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ानी है जैसे मैं अभी स्पीड में घटा दिया, स्पीड बढ़ा दिया, ओके गाइस स्पीड बढ़ गई अपनी। और जो कि सर डिजाइन बहुत सारे हैं आप ऐड कर सकती हो जो कि ये मैनुअली दी गई है, बट इसको अगर और भी आपको फीचर्स चाहिए इसके अंदर डिजाइन पार्ट का तो आपको ऐप द्वारा इसको कनेक्ट करना होगा। हम आपको हार्डवेयर पार्ट में दिखाएंगे कैसे ये कनेक्ट होगा। ठीक है, एंड आपको दिखाते हैं कंट्रोलर के फीचर्स के बारे में। तो गाइस जो कंट्रोलर है आपको इस कंट्रोलर के अंदर दो डेटा मिलेगा और एक डीसी जो कि 5 वोल्ट टू 24 वोल्ट को ऑपरेट कर सकती हो, एंड एक डेटा पे 2000 एक डेटा पे 2000 पिक्सल ऑपरेट करता ही है। ठीक है, जो कि पैरेलल में। एंड इसके अंदर और जो फीचर्स ऐड है इसके अंदर म्यूजिक का जो ट्रांजिशन आपको यहाँ पे दी गई हुई है, आप म्यूजिक के साथ इसको स्कैन करके चला के चला सकते हो प्ले करके। हम आपको भी प्ले करके दिखाएंगे म्यूजिक के साथ कैसे स्ट्रिप करेगा। चलिए चलते हैं हार्डवेयर पार्ट पे, और जिन्हें भी इस कंट्रोल को मंगाना है आप उसको बुक कर सकते हो मेरे वेबसाइट द्वारा या मेरे व्हाट्सएप टीम से बात करिए, आपको एक कंट्रोलर आपकी ऑल इंडिया सर्विस आपको प्रोवाइड दी गई है। चलिए चलते हैं हार्डवेयर पार्ट पे। तो गाइस हम हार्डवेयर पार्ट पे आ चुके हैं, क्योंकि हम SP601 को जो कि डबल डेटा के लिए हम डबल डबल स्ट्रिप को एक जो कि अपना नॉन वाटर प्रूफ और वाटर प्रूफ को सिंगल सिंगल डेटा प्रोवाइड करेंगे एंड 5 वोल्ट DC। ओके चलिए, क्योंकि ये मेरा रोल है 28/11 12 वोल्ट ऑपरेट होती है, तो इसको हम ये चैनल 1 पे कनेक्ट कर लेंगे एंड ये जो कि मेरा वाटर प्रूफ उसको चैनल 2 से हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मेरा इसी से अंदर प्रोवाइड हुई है, अगर आपको ज़्यादा लेंथ होगा तो वो अलग से पॉजिटिव नेगेटिव आपको देनी होगी। ठीक है, क्योंकि चैनल 1 चैनल 2 मेरा हो चुका। अब बात करते हैं जो कि 12 वोल्ट इसको प्रोवाइड करने के लिए हम DC मेल यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तब गाइस हम जो कि ये ऐप द्वारा कनेक्ट होगा तो ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं आपको ऐप को ऐप दिखाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो गाइस जो मेरा ऐप है वो बलनल एक्स है, तो गाइस जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है, अगर आपने नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकती हो, जो कि अभी बारकोड दिया हुआ है। ठीक है, तो बारकोड को मैं अभी मैं ऐप ओपन नहीं करूँगा, पहले मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ फिर दिखाता हूँ कनेक्ट करके। तो गाइस मेरा पावर ऑन हो चुका है, जो कि मेरा अभी म्यूजिक कंट्रोल पे है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी ये सेटअप हो चुकी है मैनुअल। तो गाइस जैसे कि इसके अंदर मैनुअल डिजाइन जो है आप उसको प्रेस करोगे तो इसके साथ बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि ये फ्री अपोज शॉप आपको ऐप में सेटअप है। ठीक है, क्योंकि मैनुअली इसके अंदर सेटअप किया गया है, बाकी आपको ऐप करने के लिए आपको फ़ोन द्वारा ऐप से कंट्रोल करना होगा या फिर रिमोट द्वारा ऑपरेट करना होगा, जो कि बहुत सारे डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, 3 नंबर 4 नंबर, आप स्पीड बढ़ा सकते हो एंड ब्राइटनेस घटा से बढ़ा सकते हो, ये ऑटो अगर टिक दोगे ऑटोमेटिक डिजाइन अपना चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल ऐप से एंड म्यूजिक के साथ कैसे ये चलेगा। दो म्यूजिक आपको पहले ऐप चलने के लिए आपको बलन एक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैं डबल स्क्रीन इसलिए क्योंकि मेरा फ़ोन पे दिखा रहा हूँ, तो वही सिस्टम कोशिश कर रहा हूँ आपको कहाँ से अच्छा देखे क्लियर देखे। गाइस जो कि मेरा ऑलरेडी मैंने इस कंट्रोल को
कनेक्ट कर चुका हूँ, तो कैसे हमें अभी शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपने शो नहीं करेगा तो आप यहाँ पे जाके बैक कर लो ना आप, ओके। यहाँ पे वैसे हमें शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया हुआ था, बट आप अगर आपने नहीं होगा तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, एट द डिवाइस क्लिक करोगे एंड ये स्कैनिंग लेगा, ठीक है। अगर आप नहीं ले रहा है तो एट द मैनुअली करके आप SP601U कनेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने 801U बारे में समझाया था। एंड मैं आता हूँ सीधे मेन फीचर्स को आपको दिखाते हैं चला के डिज़ाइन पार्ट, ठीक है गाइस, जो कि ये ऑन हो गई है। तो स्टेप प्रोग मैं अभी दिख रहा हूँ जैसे डिज़ाइन ऑफ पार्ट्स की चल रहे होंगे, ठीक है, जो कि मैनुअली चल रही है, जो कि चैनल 1 चैनल 2 के नाम से चल रहा है। जैसे अभी दिखा रहा हूँ मैं ऑपरेट करके आपको, ठीक है, ठीक है। अब जैसे तो मैंने एक नंबर को बंद कर दिया, तो एक जो मेरी 1 नंबर है वो बंद हो चुकी। अगर मैं 2 बंद किया दोनों बंद होगी, अगर मैं 1 को ऑन किया तो वो ऑन चलेगी, ठीक है, अगर मैं 2 किया तो 2 ऑन चलेगी, ठीक है। अगर आपको सबको ऑफ करना है तो ऑफ पे कर दो, सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, ऑन किया सब ऑन हो गए, ठीक है। तो इस टाइप्स का ये फीचर्स के अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ क्लियर दिखाने का, बट ये हमारी डबल मिरर है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है दिखाने में मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर चैनल 1 में हम क्या क्या डिज़ाइन ऐड किए गए। वैसे आप चैनल 1 भी क्लिक करोगे आप तो आपको इस मैनुअली दिख जाएगा पेज, ठीक है। और इसकी मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ब्राइटनेस दिख रहा होगा। तो गाइस ये जैसे कि मेरे यह फंक्शन पेज है और मेरे यह कलर पेज है, ठीक है। तो हम आते हैं पहले फंक्शन पेज में, जो कि डिज़ाइन कितने हैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 40 एक्शन इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो डिज़ाइन पार्ट है कलर का, वो स्ट्रक्चर पर मैनुअली कर सकते हो जैसा आप SP1071 में करते थे, बट ये म्यूजिक अंदर उससे एडवांस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम 1 नंबर की। गाइस जैसे देख रहे हो ये डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है, और जो कि मैं अभी अगर आप चैनल 1 को इसको ऑफ कर लो तो 1 में ही डिज़ाइन पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। मैं 2 किया डिज़ाइन चेंज हुआ, 3 किया डिज़ाइन चेंज हो रहा था, ठीक है गाइस। और आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हो डायरेक्टली, ओके। 5 नंबर, 6 नंबर, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइन ऐड किए हुए हैं। अब अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो मुझे कौन सा डिज़ाइन प्ले करना है, ठीक है। जिसके मैंने 14 नंबर चलाया उसको, अब मैं चैनल 2 पे गया, मैं ऑन किया चैनल 2 को ऑन किया, और मैं इस पे चलाऊंगा कुछ और। भाई देख लो अब ये अलग डिज़ाइन चल रहे हैं, पैटर्न वो अलग चल रहे हैं, ठीक है। आप इसी हिसाब से अपने सेटअप कर सकते हो चलाने के लिए। एंड इसके अंदर जो कि म्यूजिक सेटअप दिए हुए हैं, अभी मैं म्यूजिक प्ले करूँगा और दूंगा म्यूजिक प्ले करके, ठीक है। तो भाई जैसा कि देख रहे हो मैं दोनों स्ट्रिप को पहले एक साथ डिज़ाइन प्ले करूँगा म्यूजिक के साथ, फिर अलग अलग करूँगा। अब गाइस पहले हम दिखाते हैं आपको कलर चॉइस। बहुत सारे क्वेश्चन होता है सर कलर चॉइस कैसे करें। तो गाइस जैसा कि मैं अभी चैनल 2 पे हूँ, ये मेरा चैनल 2 है, वो मेरा चैनल 1 है, तो चैनल 2 को मैं चेंज करूँगा ब्लू। तो मैंने ब्लू टिपा था ग्रीन, क्योंकि ये GRB है और वो BRG है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लॉट का माल है। और चैनल 1 पे क्लिक किया, मैं कलर पे गया और मैं क्लिक करूँगा ब्लू, तो गाइस अगर वो ब्लू हो गई, ठीक है, वो BRG है इसलिए वो ब्लू हो गई, ठीक है। तो दोनों कलर डिफरेंट हो गए। अगर आपको सेम करना होगा तो गाइस आपको ग्रीन टिपना होगा, तो दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए। अगर मैं ग्रीन प्रेस किया तो वो ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसके बारे में वीडियो में जरूर लाऊंगा। अब हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो गाइस म्यूजिक के लिए आपको बहुत सारे डिजाइन आपको उसमें ऐड दिए गए हैं, ठीक है। आपको चैनल 1 चैनल 2 के ही ऑप्शन से आपको ऐड करना होगा, एक साथ दोनों डिवाइस को काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम डिजाइन पार्ट पे आते हैं गाइस। अगर म्यूजिक आ गया 25 में स्टार्ट होता है म्यूजिक, ठीक है। तो हेलो हेलो ऑपरेट कर रही है, एक मिनट, मैं कौन सी नंबर पे चल रही क्या, ठीक है। मैं अभी तो भाई जैसा कि अभी ये डिसकनेक्ट हो गया है, ये ऑटोमेटिक मैनुअली हुई है। मैं दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ, डेटा सिग्नल बता रहा है, इस पर क्लिक करूँगा क्योंकि कनेक्टिंग शो कर गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑफ करूँगा तो लाइट ऑफ हो गई, ऑन करूँगा तो लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूज़िक पार्ट की। तो हम चैनल 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे
म्यूजिक पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, और ये मेरा चैनल 1 था, ये 2 पे, मैं 2 को चेंज करता हूँ, 25 से मैं चैनल स्टार्ट होती है। हेलो हेलो। ओ गाइस, हम कोई गाना प्ले करते हैं और देखते हैं कैसा होगा, जो कि इसके अंदर म्यूजिक यहाँ सेटअप होगी। ठीक है, तो मैं गाना एक ठीक है, ठीक मैं गाना एक प्ले करता हूँ। तो कहीं जिस पे करो गाना ऑन हो रही है। ठीक है, अगर उस फोन बारे में और भी जानकारी लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, ये म्यूजिक ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, आप इसके अंदर कलर सिलेक्शन डिलीशन वगैरह वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।